Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear students. I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir. And this is video lecture number 10 for the class 11th. We are discussing the chapter states of matter. और पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 9 में हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था. आज जो लेक्चर नंबर 10 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं पहले आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो दिखाऊंगा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक पे भी है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे. बहुत सिंपल है, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन पे ही है. और उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक होगा अबाउट यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, वो हम स्टार्ट करेंगे. तो देखिए प्रॉब्लम को समझते हैं. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, यानी कि ये प्रेशर दिया गया है, ये ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है ना. एंड 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर, अ गैस ऑक्यूपाइज 600 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम. पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं. देखो पहले टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें ये केल्विन में चेंज करना पड़ेगा. तो पहली कंडीशन क्या है हम देखते हैं. अगर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे हम पहले देखेंगे टेम्परेचर T1 जो है, जो दिया है वहाँ से, वो कितना है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है. और अगर हम इसको केल्विन में चेंज करना चाहेंगे तो हमें इसको 273 से हम फ्रैक्शन हटा देंगे 0.15, तो अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 298 केल्विन. तो टेम्परेचर T1 जो है आपका 298 केल्विन, ठीक है ना. एंड प्रेशर कितना है, 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. तो इसका मतलब है P1 जो है यहाँ पे वो है 760 मिलीमीटर. ये ऐसे लिखना पड़ता है, सबको क्लियर हो गया. अच्छा, अ गैस ऑक्यूपाइज 600 मिलीलीटर वॉल्यूम, यानी कि आपका जो V1 दिया गया है, V1 दैट इज इक्वल टू 600 मिलीलीटर्स. सबको क्लियर हुआ, वेरी नाइस. अब इसके बाद क्या बताया गया है, व्हाट विल बी द प्रेशर, यानी कि आपको P2 निकालना पड़ेगा. यानी कि P2 मैं यहाँ पे लिखूंगा, P2 जो है, बिकॉज ये बोल रहा है व्हाट विल बी द P2, तो यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, बिकॉज ये निकालना है हमें. व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट अ हाइट वेयर द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप बताइए मुझे T2 कितना है, T2 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो अगर आप इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273 प्लस करके, तो वो कितना हो गया, 273 प्लस 10, तो दैट इज इक्वल टू 283 केल्विन. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे P2 तो निकालना है आपका, और अगर आप देखेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो 640 मिलीलीटर है. इसका मतलब है आपका जो V1 है यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपका V2 जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है 640 मिलीलीटर. और P2 ये आपको कैलकुलेट करना है. तो आप क्या करेंगे, आप आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे. मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं. देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, अगर आपको पता होगा दैट P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. सिंपल है, ये आपने कंबाइंड गैस लॉ पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा. तो देखो आपको कौन सा वेरिएबल निकालना है, आपको वेरिएबल P2 निकालना है. टोटल वेरिएबल्स अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 में से 5 तो दिए हुए हैं ना, आपको खाली एक निकालना पड़ेगा. तो P2 सिंस हमें निकालना है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट P2 किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू P1 V1 और ये T2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये V2 नीचे जाएगा. सबको क्लियर हो गया, तो बताइए वो किसके बराबर है, P1 किसके बराबर है, चेक कीजिए. P1 है 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. सबको क्लियर हो गया, बताइए V1 कितना है, वॉल्यूम है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 640 मिलीलीटर्स. सबको क्लियर हो रहा है. T2 बताइए, टेम्परेचर T2 कितना है, वो है 283 केल्विन डिवाइडेड बाई, बताइए V2 कितना है, V2 कहाँ पे है, V2 यहाँ पे है, दैट इज इक्वल टू 640 मिलीलीटर्स. अब अगर आप ये सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू जो आता है, ये आप NCERT की बुक जो है आपके पास, उसमें क्वेश्चन दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं. इसका वैल्यू जो है 676.6, सिंस आप प्रेशर निकाल रहे हैं तो देयरफॉर इट विल बी मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. तो ये आपका आंसर आएगा, बहुत सिंपल है. देखो कुछ नहीं करना है आपको, आपको आइडियल गैस इक्वेशन जो याद रखनी है, दो इक्वेशंस मतलब दो फॉर्म्स है, एक तो है ऐसे P
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो मैं पिछली बार डिस्कस कर चुका हूँ। और दूसरी फॉर्म जो है, अगर आपको वेरिएशन ऑफ वेरिएबल्स दी गई है फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उस टाइम आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। तो दिस इक्वेशन जो है आपको ये मेमोराइज करनी पड़ेगी, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो इससे आप प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की जो कि आइडियल गैस इक्वेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर। हम इसका नेचर आपको बताएंगे कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इसका मतलब क्या है, और इसका वैल्यू जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखता हूँ। तो आज का टॉपिक जो है, टॉपिक आज का है हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आज का टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसको हम आर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के बारे में जानने के लिए हम फिर से आइडियल गैस इक्वेशन पे ही आएंगे। हमें पता है दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, आइडियल गैस इक्वेशन है हमारी पी वी इज इक्वलेंट टू एन आर टी, ठीक है ना, सबको पता है ना। दिस इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको आप कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं। हमें किसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, आर, जो कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जो है आर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस कोई भी हो, ऑक्सीजन हो, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, उस पर डिपेंड नहीं करता ये। ये खाली डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट में आर को मेजर करते हो, एंड सेकंड आपने अमाउंट एन कितना लिया, ये खाली उस पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बाद में ये चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, हालांकि मुझे आर चाहिए, तो बताइए मुझे आर किसके बराबर होगा। आर जो होगा इस इक्वेशन से, आर होगा बराबर पी वी डिवाइडेड बाई एन आर नीचे चलेगा। देखिए, सबको क्लियर हो गया। अब पी क्या है यहाँ पे, पी तो प्रेशर है, वी तो वॉल्यूम है। देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट पी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रेशर, और वी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम। ध्यान देना सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइडेड बाय एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, एंड आर, सॉरी यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, और यहाँ पे टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है रिप्रेजेंट, यहाँ पे हम लेंगे केल्विन टेम्परेचर। इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब देखिए, यहाँ पे आ जाइए फिर से, क्या मैं लिख सकता हूँ प्रेशर होता है बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सबको क्लियर हो गया, हमें पता है P इज इक्वल टू एफ ऑफ वन ए। तो प्रेशर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देखिए, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, या मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है लाइक दिस, देखिए अगर मेरे पास कंटेनर इस शेप का है, मान लो ये ऑरिजिन ले, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ एल है, यहाँ से यहाँ तक भी इसकी लेंथ जो है वो एल है, और यहाँ से यहाँ तक भी इसकी लेंथ एल है, यानी कि मैं ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का क्या होगा, वॉल्यूम में तीन डायमेंशन आते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड इफ ऑल आर सेम आई विल से दैट इट विल बी लेंथ, इट विल बी लेंथ क्यूब। Suppose if it is A, it is A into A into A, that is A cube. It is L into L into L, that is L cube. सबको समझ आ रहा है? Divided by number of moles को मैं सीधे लिखूंगा moles, and temperature जो Kelvin है उसके बजाय मैं simple लिखूंगा K. यहाँ तक सबको समझ आया, ठीक है ना। आप देखें नीचे आ जाइए फिर से, हम पहले नेचर की बात कर रहे हैं, हमें बताना क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे नेचर ऑफ R क्या है। R तो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है वो हमने बताना है आपको। अब देखिए, क्या मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आर जो है इज इक्वल टू एफ, फोर्स के लिए मैं एफ लिखूंगा, एरिया, एरिया लेंथ इनटू ब्रेडथ होता है, तो अगर मैं दोनों सेम लूंगा तो मैं फिलहाल यहाँ पे लिखूंगा लेंथ का स्क्वायर, बिकॉज मैंने वहां पे भी लेंथ जो है तीनों इक्वल लिए थे, और इनटू यहाँ पे आएगा लेंथ का क्यूब,
देखिए डिवाइडेड बाय आएगा मोल्स, तो है मोल्स, मोल्स की शॉर्ट फॉर्म मोल लिखते हैं हम ऐसे, और केल्विन टेम्परेचर के लिए हम के लिखेंगे। अब देखिए लेंथ स्क्वायर एंड यहाँ से दो हटेंगे तो बताओ कितना बचा, ऐसे लिखूंगा देयरफॉर आर इज इक्वल टू इट विल बी एफ, चलो मैं लिखता ही हूँ, एफ इज फोर्स है एंड इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इट्स मोल एंड इट्स केल्विन टेम्परेचर लाइक दिस। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज फोर्स इनटू लेंथ, आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू लेंथ जो होता है बराबर, वो होता है बराबर वर्क डन, वर्क डन ठीक है ना, डिवाइडेड बाई मोल इनटू केल्विन। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है ना, हम लिखते हैं ना डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू एस, एफ यहाँ पे फोर्स है एंड एस डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हमने लेंथ ले ली ठीक है ना, तो इसका मतलब है फोर्स इनटू लेंथ बेसिकली वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके नीचे है डिवाइडेड बाई मोल और केल्विन है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है आर जो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, वर्क डन पर केल्विन पर मोल, वर्क डन, वर्क डन बाय गैस पर केल्विन टेम्परेचर एंड फॉर पर मोल मीन्स फॉर वन मोल। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे दैट आर का नेचर जो है दैट इट रिप्रेजेंट्स वर्क डन, इट रिप्रेजेंट्स वर्क डन, शाबाश, वर्क डन पर केल्विन, इट रिप्रेजेंट्स वर्क डन पर केल्विन पर मोल, दिस इज व्हाट आई मीन बाय यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो सबको यहां पे दिमाग में रखना है, सबको ये बात ध्यान में रखनी है दैट यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, चलो ठीक है इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा, यूनिवर्सल हर एक गैस के लिए फॉर सर्टेन अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है ये, इसका मकसद क्या है, ये क्या इंफॉर्मेशन देता हमें, नेचर ऑफ आर ये है दैट इट एक्चुअली गिव्स अस द वर्क डन, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस पर केल्विन पर मोल, वर्क डन बाय द गैस पर केल्विन पर मोल, ऐसे लिख सकते हैं या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सीधे दैट आर जो है दैट रिप्रेजेंट्स वर्क, वर्क पर केल्विन पर मोल, ऐसे भी लिखते हैं। आर रिप्रेजेंट करता है हमें कितनी वर्क डन की है गैस ने पर केल्विन और पर मोल के लिए, पर केल्विन के हिसाब से और पर मोल के लिए, तो ये रिप्रेजेंट करता हमें नेचर ऑफ आर दैट इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। सबको क्लियर हुआ यहाँ पे? तो अगर आपको कोई पूछता है माय डियर स्टूडेंट्स कि आर है क्या, ठीक है ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल का क्या मतलब है, हर गैस के लिए इसका वैल्यू जो है वो सेम होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। सबको क्लियर हुआ? लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करता है बेसिकली, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, कितनी वर्क डन एक गैस ने की है पर केल्विन के हिसाब से और फॉर पर मोल मीन्स पर अमाउंट के हिसाब से वो कितना किया इसने। अब हम वैल्यू पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है यहाँ पे मैं वैल्यू की बात करूँगा, तो इक्वेशन मुझे चाहिए तो मैं ये यहाँ पे इरेज करूँगा। आई होप इट्स क्लियर। जब भी आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछे डियर स्टूडेंट्स व्हाट डज आर रिप्रेजेंट, तो आप उसे कहना दैट आर जो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ये रिप्रेजेंट बेसिकली करता है कितनी वर्क डन गैस ने की है पर केल्विन के हिसाब से और फॉर पर मोल ऑफ अ गैस। सबको क्लियर हुआ? अब देखिए अब हम वैल्यू ऑफ आर की बात करेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ आर। देखिए आई विल राइट वैल्यू ऑफ आर, अब सी अगेन वी कम टू द इक्वेशन दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देयरफॉर द आर विल बी इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाय एनटी। अब देखिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखिए इसको मैं ऐसे सर्कल में रखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा फॉर वन मोल ऑफ गैस। देखिए कितने केसेस आएंगे यहां पे, पहली बात मोल जो गैस का लेंगे वो मैं एक ही लूंगा, मैं लिखूंगा फॉर वन मोल, फॉर वन मोल ऑफ गैस मींस एन इज इक्वल टू वन। सबको क्लियर हुआ? देखिए केस फर्स्ट, यानी कि इसके कितने सारे वैल्यूज हो सकते हैं, दैट्स व्हाट आई मीन बाय केस फर्स्ट। अगर कंडीशन एसटीपी ऐसी है, कौन सी एसटीपी, जिसमें टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है
वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और आपको पता है जिगर ये कितना होता है? 273 केल्विन सर, ठीक है, सबको क्लियर हुआ। और प्रेशर जो है, प्रेशर लेंगे हम 180 m - 1 atmosphere। क्या मैंने कहा? टेम्परेचर कितना लिया आपने? टेम्परेचर लिया आपने 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 केल्विन। प्रेशर कितना ले रहे हो आप? वो ले रहे हो 1 atmosphere। एन कितना है? वो तो मैंने ऊपर ही कहा 1 mole है। मुझे बताइए क्या ये कंडीशन एसटीपी नहीं है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ये मैंने इससे पहले ही आपको सिखाया है। तो बताइए जब टेम्परेचर 273 केल्विन होता है फॉर 1 mole ऑफ अ गैस और प्रेशर 1 atmosphere होता है, बताइए मोलर वॉल्यूम जो है वी एम फॉर 1 mole ऑफ अ गैस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मींस एट 273 केल्विन एंड 1 atmosphere, उसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्या मैंने आपको नहीं कहा वो होता है बराबर 22.4 liters? आई होप सबको ये बात याद है। तो चले ठीक है, बताइए आर किसके बराबर होगा? सारे वैल्यूज आ गए आपको, देयरफोर आर किसके बराबर होगा? चलिए वैल्यू सब छूट कीजिए, पी है 1 atmosphere इंट वी कितना आया 22.4 liters डिवाइडेड बाई, बताइए एन कितना है? एन तो 1 mole है तो मैं सीधे लिखूंगा नीचे 1 mole, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई एंड व्हाट इज द टेम्परेचर, वो केल्विन में लेना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस वैल्यू को, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, इसका वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.0821। जरा यूनिट्स का ध्यान रखिए, लीटर इंटू एटमोसफियर क्या हो गया? मैं लिखूंगा सर वो तो हो गया लीटर एटमोसफियर, LITRE लीटर, ATM एटमोसफियर, अच्छा डिवाइडेड बाई नीचे से मोल इंटू केल्विन, दैट्स इट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लीटर एटमोसफियर पर मोल, यानी कि मोल इनवर्स दैट्स -1 एंड केल्विन -1। तो लीटर एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट क्या करता है? लीटर एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट करता है वर्मडाल, ये बात याद रखिए। तो इसका मतलब ये हुआ थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें आप सीखेंगे फिर, लेकिन मैं यहीं पे बताऊंगा, सिंस आर का नेचर है वर्क डन पर मोल पर केल्विन, सिंस आर का नेचर है वर्क डन पर मोल पर केल्विन, इसका मतलब है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में पार्ट है ना लीटर इंटू एटमॉस्फेयर, वो वर्क डन है। Since work done is given by P into V, that means आप thermodynamics में ये सीखेंगे that product of pressure and volume जो होता है वो represent करता है work done. Means अगर आपको कभी भी एक gas का volume दिया है और उसका pressure दिया गया है, अगर आप इसका product लेते हो, that means आप ये दिखाते हो वहाँ पे कि gas ने work done कितना किया है। हाँ, फिर वहाँ पे आप ये चीज़ें सीखोगे, one is work done by the system, means by the gas, and another is work done on the gas. तो वहाँ पे फिर sign convention सीखे जाते हैं, वो हम thermodynamics में सीखेंगे। Thermodynamics हमारा इसके बाद का unit जो है वो हम start करेंगे। लेकिन यहाँ तक समझ आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ that R का value कितना आया? मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे। तो R का value यहाँ पे आया, R का value आया 0.0821 liter, short form में लिखूँगा मैं LIT, liter atmosphere per Kelvin पर मोल। आप पर मोल पर केल्विन लिखो या पर केल्विन पर मोल, एक ही बात है। ये हो गया आर का एक वैल्यू। अब अगर आप ये कंडीशंस ले रहे हो, ये यूनिट ले रहे हो, उस टाइम आर का वैल्यू यही रहेगा और ये चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट रहा ना, इसलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखिए केस नंबर सेकंड में यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे स्टार डाल देता हूँ। आपका जो आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका एक वैल्यू निकल आया, इस वैल्यू को याद रखिएगा प्लीज, ठीक है ना। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं केस नंबर सेकंड। देखिए केस सेकंड क्या है, फिर से फॉर 1 mole ऑफ गैस, एन में चेंज नहीं करूंगा बिकॉज आर एन पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आपने एन एक में 1 mole लिया, दूसरे में 2 mole लिया, फिर तीसरे में 3 mole लिया, तो वैल्यू आर का तो फिर डिफरेंट आना ही, उसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन हम कंपैरिजन के तौर पे क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ मोल जो है अमाउंट वो सेम लेंगे फॉर 1 mole ऑफ गैस। तो बताइए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो दूसरी कंडीशन क्या है। अगर मैंने टेम्परेचर फिर से 0 डिग्री सेल्सियस ही रखा, माइनस 273 केल्विन, ये मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रेशर थोड़ा सा कम लिया 1 bar। मैं ये समझा चुका हूँ आपको
पिछले वीडियो लेक्चर्स में, मीन्स मैं फिर से एसटीपी की बात कर रहा हूँ, ये भी एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार है, वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, बाकी कुछ नहीं है। ज़रा मुझे बताइए, याद कीजिए पिछला टॉपिक, याद कीजिए उस टाइम मोलर वॉल्यूम कितना आता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा आएगा। क्या आपको याद है 22.7 लीटर्स आता था? आई होप सब बच्चों को पता है। तो बताइए उस टाइम मुझे, माय डियर स्टूडेंट्स, आर का वैल्यू क्या होगा? मैं लिखूंगा देयरफॉर आर विल बी इक्वल, तो कीजिए मल्टीप्लाई पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। प्रेशर कितना है? प्रेशर 1 बार है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 बार इंटू वॉल्यूम कितना है, 22.7 लीटर्स डिवाइडेड बाई, बताइए नंबर ऑफ मोल्स, वो तो 1 मोल है, और बताइए टेम्परेचर कितना है, दैट इज 273 केल्विन। यहाँ पे मैंने खाली प्रेशर चेंज किया, बाकी सेम है। तो बताइए क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इसका आता है 0.083। फर्क देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे 0.082, यहाँ पे 0.083, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लीटर इंटू बार आएगा, बिकॉज वहां पे एटमॉस्फेयर था, वहां पे एटमॉस्फेयर आया, लेकिन यहाँ पे बार है, तो यहाँ पे बार आया। और क्या होगा, पर मोल पर केल्विन, या पर केल्विन पर मोल, एक ही बात है, पहले वो लिखो या पहले ये लिखो, पर केल्विन इंटू पर मोल। फिर से यहाँ पे लीटर इंटू बार, ये वर्ब डे रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज अनदर वैल्यू फॉर आर, तो इसका मतलब है दूसरा वैल्यू जो मुझे आर का आया, दैट इज 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के बारे में बताया, वहां पर मैंने बाज़ाबिता तौर पर यह कहा दैट इट्स वैल्यू फॉर सेम अमाउंट ऑफ अ गैस, इट्स वैल्यू फॉर सेम अमाउंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस ओनली डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, बट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। अमाउंट तो मैं सेम ले रहा हूँ ना, अमाउंट तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट तो मैं एन एन ले रहा हूँ सब में। It depends upon the amount of the gas and the units at which it is expressed. देखो यहाँ पे मैं यूनिट चेंज कर रहा हूँ ना, कभी एटमोसफियर कभी बार, तो उस टाइम वैल्यू ऑफ आर भी चेंज करेगा। खाली उन पे डिपेंड करता है, एक तो अमाउंट एन पे डिपेंड करेगा, दूसरा उन यूनिट्स पे डिपेंड करेगा जिनमें आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो। लेकिन जब आप पर्टिकुलर सेट ऑफ यूनिट्स चूज करते हो, उस टाइम आर का वैल्यू जो भी होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एक दूसरा वैल्यू आर का निकला, ये ध्यान में रखें। मैं ये वैल्यूज फिर बाद में लास्ट में नटशेल में लिखूंगा जो आप याद रखेंगे। अब तीसरे केस की तरफ आइए। चलो मैं ये वाला पोर्शन रिवाइज करूंगा, देखें, देखो थर्ड केस क्या है, और बड़ी ध्यान से इस चीज को समझना, बिकॉज थर्ड केस जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और फोर्थ केस भी, हालांकि ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए अगर आप, मैं यहां पे लिखता हूं केस 3, सेम वही है क्या, फॉर वन मोल ऑफ गैस, यानी कि अमाउंट में चेंज नहीं करूंगा, मीन्स एन इज इक्वल टू 1। मैं क्या करूंगा काम, मैं कह रहा हूं आपको इन सीजीएस सिस्टम में मुझे बताओ, सीजीएस सिस्टम समझते हो ना, तो यहां पे यूनिट सिस्टम ऑफ डिफरेंट है, क्या होगा? इक्वेशन तो वही है, R is equal to PV divided by NT, लेकिन मैं पहले आपको बताऊंगा CGS सिस्टम में प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, CGS सिस्टम में प्रेशर कैसे निकाला जाता है। देखिए हम क्या करते हैं, प्रेशर की फॉर्मूला जो होती है ना, प्रेशर की फॉर्मूला होती है रो इंटू जी इंटू एच। सिंस आपको पता है हम प्रेशर जो है वो मरकरी जो है कॉलम से मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान में दे यहां पे कितना होगा, यहां पे देखिए मैं यहां पे लिखता हूं मरकरी की जो डेंसिटी होती है, मैं यहां पे लिखूंगा रो एच जी, इसकी डेंसिटी जो होती है वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है इन सीजीएस सिस्टम, ये चीज आपको पता होगी, मतलब आई मीन नाइन्थ में पढ़ा होगा, इन फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, दैट इज 981 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, समझते हो ना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालोगे तो दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी। तो जी अगर निकालेंगे आप
CGS सिस्टम में दैट विल बी 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और H जो यहाँ पे लिया जाता है, H जो मरकरी कॉलम की जो CGS सिस्टम में हाइट ली जाती है, मैं वन बार प्रेशर की बात कर रहा हूँ, वन बार प्रेशर की बात कर रहा हूँ इन CGS सिस्टम अंडर वन बार। लेकिन ये निकाला कैसे जाता है, वन बार प्रेशर का यहाँ पे जो वैल्यू लिया जाता है हाइट के हिसाब से वो 76 सेंटीमीटर लिया जाता है। 76 सेंटीमीटर, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, 76 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम जितना भी प्रेशर अप्लाई करेगा ना वो इक्वल टू वन बार होता है, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। तो बताओ प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होगा बराबर रो कितना है, मैं सीधे लिखूंगा वैल्यू यूनिट्स का हम बाद में देखेंगे, 13.6 इनटू बताओ जी कितना होगा 981 एंड हाइट होगी 76 सेंटीमीटर, ये होगा प्रेशर, ये होगा प्रेशर फिलहाल, सबको क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए उस टाइम सिंस मैंने प्रेशर क्या लिया है, मैंने प्रेशर लिया है वन बार, सिंस मैंने प्रेशर वन बार लिया है तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। आपको पता है जब प्रेशर वन बार होता है, जब प्रेशर वन बार होता है तो उस टाइम वॉल्यूम कितना होता है, उस टाइम वॉल्यूम जो होगा सिर्फ मैं CGS सिस्टम में ले रहा हूँ तो मुझे मिलीलीटर्स में लेना है, दैट मीन्स इट विल बी 2270 मिलीलीटर। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। एन कितना है, एन तो पता ही है आपको वो वन है, एंड टेम्परेचर जो यहाँ पे है सिंस दैट इज 273 केल्विन दैट विल बी सेम। अब सिंस जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो क्या आता है, देखिए यहाँ पे आपका R का वैल्यू जो आएगा, तो डालिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू, बताओ प्रेशर कितना है, प्रेशर का अब ये वैल्यू आपको लेना है, प्रेशर का ये वैल्यू आपको लेना है, ठीक है ना। तो कितना होगा, दैट विल बी 13.6 इंटू 981 इंटू 76 सेंटीमीटर, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ इसमें, तो ये कितना होगा इंटू 22700 मिलीलीटर्स होगा डिवाइडेड बाई एन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स वन मोल है, वन, और टेम्परेचर जो है 273 केल्विन है। एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस, व्हेन यू विल सिंपलीफाई दिस, यहाँ पे जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू आता है 8.314 इंटू 10 रेज पावर 7 अर्ग्स पर केल्विन पर मोल। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पता है ना कि अर्ग जो है वो CGS यूनिट वर्क डन का होता है, SI यूनिट जो एनर्जी या वर्क डन का होता है वो जूल होता है, लेकिन उसका जो CGS यूनिट होता है वो अर्गस होता है, इसीलिए बिकॉज मैं CGS सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कितना गया सिंस मैं CGS सिस्टम की बात कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पे अर्ग आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपका तीसरा वैल्यू क्या है, तीसरा वैल्यू आपका ये आया, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तीसरा वैल्यू आपका ये आया आर का, आर इज इक्वल टू 8.314 इंटू, आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा डिराइव करके दो, आपको वैल्यूज याद रखने, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये वैल्यूज आए कहाँ से, आपको खाली वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे, 10 रेज इन पावर 7 अर्ग्स पर केल्विन पर मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, दैट आप जाके कोई और वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पे एक सेपरेट टॉपिक नहीं मिलेगा और वहाँ पे आपको कन्वर्शंस ऐसे नहीं दिखाई जाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को क्या होती है, उनको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना, उनको पता नहीं होता है कि हमें आर का वैल्यू कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो यूनिट्स को पहचान नहीं पा रहे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है मुझे वहाँ पे कौन से यूनिट्स दिए गए हैं, उसी के हिसाब से आपको आर का वैल्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM में दिया गया है और लीटर्स में दिया है तो ये वैल्यू इस्तेमाल करना है, अगर आपको बार के हिसाब से दिया गया खाली तो ये करना पड़ेगा, अगर आपको अर्गस के हिसाब से दिया है तो आपको वो करना पड़ेगा। सबको समझ आ रहा है। अब देखिए केस नंबर फोर ये है कि अगर SI सिस्टम में आपको चेंज करना पड़े तो क्या होगा। SI सिस्टम में बहुत सिंपल है, आप इसी में हम थोड़ी मैनिपुलेशन करेंगे। देखिए तो केस फोर क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, केस फोर जो है अगेन फॉर वन मोल ऑफ अ गैस। अगर आप देखेंगे ना, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, वन मोल ऑफ गैस के लिए ही निकालेंगे आप, लेकिन एक बात याद रखिए, वन जूल जो होता है बराबर, या मैं ऐसे लिखूंगा 10^7 अर्ग, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, 10^7 अर्ग जो होता है बराबर, ये होता है बराबर एक जूल के,
ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए आप। एक जूल भी एनर्जी है, अर्ग भी एनर्जी है, बट जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर आप एसआई सिस्टम में अगर आप आर का वैल्यू निकालना चाहो तो आर किसके बराबर होगा, बिल्कुल वही वैल्यू लेना है आपको। देखो 8.314, सिंस वहां पे 10 रेज पावर 7 है, तो 10 रेज पावर 7 अर्ग के बजाय लिखोगे आप सीधे जूल, बिकॉज 10 रेज पावर 7 अर्ग एक जूल के बराबर होता है। तो जहां पे 10 रेज पावर 7 अर्ग था ना आपको डियर स्टूडेंट्स, वहां पे खाली जूल आएगा, बाकी सेम है, जूल पर केल्विन पर मोल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, आर इज इक्वल टू 8.314 सीधे जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यूज डिफरेंट दिए, मैं स्टार डाल देता हूँ यहाँ पे, तो आर के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, देखिए ये नंबर वन ये हो सकता है, नंबर टू ये हो सकता है, ये नंबर टू था, ये नंबर थ्री था और ये नंबर फोर रहा। मेरे प्यारे बच्चों मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप पहले मैंने क्या किया, मैंने n is equal to 1 अमाउंट जो है वो सब में सेम लिया। अगर मैं अमाउंट डिफरेंट लेता ना तो भी आर का वैल्यू डिफरेंट आता, लेकिन सिंस मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स वैरी किए, जब मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स वैरी किए, पहले मैंने एटमॉस्फेयर लिया, फिर मैंने बार लिया, फिर मैंने सीजीएस सिस्टम लिया, फिर मैंने एसआई सिस्टम लिया, तो मैंने देखा आर के वैल्यू चेंज हो रहे। इसका मतलब क्या हुआ, दैट आर का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट वो डिपेंड करेगा अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन व्हिच इट इज एक्सप्रेस्ड, वो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा, अगर मैंने एन का वैल्यू 1 नहीं रखा, अगर मैंने, चलो मान लो अब मैंने क्या किया, मैंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट रखा, ये सीजीएस सिस्टम, अब मैं चेंज नहीं करूंगा, पहले मैंने एन इज इक्वल टू 1 लिया तो नीचे एन इज इक्वल टू 1 यहां पे आया था, तो वैल्यू कितना निकला, इतना। अगर मैंने एन टू लिया था, अगर मैंने एन टू लिया था तो क्या वैल्यू ये निकलता, नहीं, नीचे डिवाइडेड बाय 2 हो जाता। सबको क्लियर हो रहा है ना, इसका मतलब है आर का वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड करता है, आर का वैल्यू खाली दो चीज पर डिपेंड करता है, खाली दो चीज पर डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ आर दैट इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन, बता किस किस पे, पहला पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस हम लिखेंगे डायरेक्टली, बिकॉज हम गैस की बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस से क्या मुराद है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, दैट मीन्स एन, एंड सेकेंड इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बिकॉज सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपने कभी यहाँ पे 273 केल्विन टेम्परेचर लिया, आप कहोगे नहीं सर मैं टेम्परेचर डिफरेंट होगा, मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड लूंगा, 298 केल्विन, तो जाहिर सी बात है वैल्यू तो चेंज होगा ना, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहले आपको चूज करना पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे भी आर का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आर का वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो अमाउंट पर डिपेंड करेगा एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करेगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ ये पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। व्हेन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, व्हाट डज इट मीन, दैट मींस इफ यू हैव मेनी गैसेस, इफ यू हैव गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी, एंड उन सब गैसेस को आप, उन सब गैसेस के लिए आप वैल्यू ऑफ आर निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स भी सब में सेम ले रहे हो और सिस्टम ऑफ यूनिट जो चूज कर रहे हो वो सबके लिए सेम कर रहे हो, तो आप देखोगे जितने भी आप गैस लोगे सबके लिए आर का वैल्यू सेम होगा। मतलब अगर आपके पास गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है और गैस डी है, कितने गैसेस हैं आपके पास, चार गैसेस का आप लेते हो वन मोल, और सिस्टम आपने कौन सा चूज किया, एसआई सिस्टम, तो आप देखो कि चारों गैसेस के लिए जो आर का वैल्यू होगा ना डियर स्टूडेंट, दैट विल बी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, दैट मींस दैट सब गैसेस के लिए for the same amount and for the same system the value of r will be same, that's why this constant is called as universal gas constant. So universal gas constant kya hai, it gives us the work done by the gas per mole per kelvin, and second its value remains constant as long as you
take the same amount of gas, that means number of moles are same, and you choose the particular system of units. So in other words, we can say value of R depends only upon two things. First is the amount of the gas, means the number of moles of gas. Second, the system that you choose to measure the universal gas constant. Otherwise, it does not depend upon the nature of gas. So, aapke char values of universal gas constant, jo ki numerical problems mein bahut zyada istemal hote hai. To wo ek ye hai that R is equal to 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. The second is 0.083, thoda sa farak hai isme, because yahan pe atmosphere hai, yahan pe bar hai. That is liter bar per Kelvin per mole. And third is in CGS system, its value is 8.314 into 10 to the power 7 ergs per Kelvin per mole. And the last, that being the SI system, its value is equal to 8.314, that is joule per Kelvin per mole. So zyadatar jo values istemal kiye jate hain, ek to SI ka pucha jata hai aur dusra ye pucha jata hai. To ye do zyadatar numerical problem mein puche jate hain. To main ummeed karta hu, my dear students, aapko आइडियल गैस इक्वेशन जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि हमने लेक्चर 9 में सीखी और जिसको कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं और इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, वो मैंने आपको समझाया था. और लेक्चर 10 में एक्सक्लूसिवली एक तो मैंने एक प्रॉब्लम कराई आपको, और दूसरा मैंने आपको यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर के बारे में, नेचर के बारे में भी बताया कि रिप्रेजेंट क्या करता है, और वैल्यू के बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो इंशाल्लाह हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे, देखते हैं मैं कौन सा टॉपिक उठाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि आई एम गोइंग टू डिस्कस रियल गैसेस. अब हम रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि रियल गैसेस क्या होती है, क्या होते हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि गैसेस आर नॉट बेसिकली आइडियल, दे आर इनफैक्ट रियल. तो फिर वहाँ पे हमने अपने डिस्कशन को थोड़ा स्टॉप किया था. अब हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 11 जो होगा, हम वहाँ पे रियल गैसेस की बात करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखिए, लेक्चर जो है वो आप रेगुलरली देखिए, और अपने नोट बुक में आप इनको नोट डाउन कीजिए. तो और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछा करो, तो हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की. टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.